नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि के लिए आज का दिन अच्छा बीतेगा। स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे और आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं। भाग्य से धन लाभ हो सकता है। नौकरी व्यापार में कोई बड़ा सौदा या पूंजी निवेश करने से पहले उससे छुपे हुए हर पहलू का अवश्य गौर करें, अन्यथा बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं फायदेमंद साबित होंगे और नौकरी व्यापार के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज दिन बेहद शुभ रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, साथ ही तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में आज का दिन बेहतर रहेगा। कोई नया अनुबंध भी प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। छात्रों के लिए भी दिन अनुकूल है। कर्क राशि के लिए आज का दिन जो है वो सुख शांति से बीतने वाला। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सभी अटके हुए कार्य संपन्न होंगे और समय पर पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में ज्यादातर काम आसानी से निपट जाएंगे और उच्चाधिकारी भी प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई योजनाओं में पूंजी निवेश कर सकते हैं। सिंह राशि, आज आप आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और सहकर्मी का काम अटक सकता है। अनावश्यक खर्चों की वजह से आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर अगर जाना हो तो बिल्कुल जाएं। छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा। कन्या राशि, आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। पूर्व में अटके कई कार्य पूर्ण होंगे और कार्य क्षेत्र में जिस मौके का आपको इंतजार था वह मौका आज मिलेगा। सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। भूमि भवन वाहन आदि खरीदने के प्रबल योग। तुला राशि, आज का दिन तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली साबित होगा। कठिन से कठिन परिस्थितियां आपके फेवर में बदल जाएंगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी। नौकरी में भी बदलाव हो सकता है। लाभ निश्चित रूप से लिखा हुआ है और यदि कोई नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन अनुकूल है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। प्रोफेशनल जीवन और पर्सनल यानी व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बनाकर चलना है। आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है। नई योजनाओं पर धन लगा सकते हैं और काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं जो कि लाभकारी सिद्ध होगी। नौकरी व्यापार में नए अवसर धन लाभ कराएंगे। धनुराशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा बीतने वाला। आर्थिक स्थिति से भी मजबूती होती दिख रही है। कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसर मिल रहे हैं। कई महत्वपूर्ण कार्य जो पहले अटके हुए थे वो आज पूर्ण होते नजर आ रहे हैं और उच्चाधिकारियों से मदद की प्राप्ति होगी। कोई नया बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग का समय अधिक मेहनत में और पढ़ाई लिखाई में बीतेगा। मकर राशि के लिए आज का दिन शुभ दिखाई दे रहा है। जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार आते दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता हो सकती है जिन्हें सहजता से आप पूरा कर लेंगे। सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा और व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आज का दिन सही है। नतीजा आपके फेवर में होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन जो है वो मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बन रही है। खर्चों पर कंट्रोल करें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है और नौकरी व्यापार में लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में विरोधी आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है, सतर्कता बरतनी है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए मानसिक शांति का अनुभव करेगा और आर्थिक लाभ के कई अवसर आपके हाथ आएंगे। नौकरी व्यापार में किसी बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में निवेश करने के संकेत हैं। भूमि भवन खरीदने का विचार भी बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से आइए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक
मूलांक एक के जातकों के लिए वाहन में किसी प्रकार की आज खराबी आ सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के रुके हुए काम आज पूरे होंगे। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर गुड़ खाकर घर से बाहर निकलें। मूलांक दो के जातकों के लिए दिन कुछ चुनौतियों से भी भरा रहेगा। महिलाओं को आज अपनी ईगो पर काबू रखने की जरूरत है। व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं और पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। उपाय के तौर पर माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। मूलांक तीन के जातकों के लिए नौकरी में सहकर्मियों की मदद से कुछ जरूरी कामों को निपटाने में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और संतान से कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। कान से संबंधित कोई रोग जो है वो परेशान कर सकता है। उपाय, चने की दाल मंदिर में दान करें। मूलांक चार के जो जातक है उनके लिए पिता के साथ चल रहे जो वैचारिक मतभेद हैं वो आज दूर होते नजर आ रहे हैं और आर्थिक तंगी का भी सामना आज लेकिन करना पड़ सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में तनाव दिखाई देगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी हो सकती है। उपाय कर सकते हैं, तुलसी की माला धारण कर। मूलांक पांच के जातकों के लिए आज आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन हो सकता है। पदोन्नति का योग कम बन रहा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में भी कम लगेगा और अविवाहित व्यक्तियों के जीवन में प्रेम संबंध दस्तक दे सकता है। उपाय कर सकते हैं, घर में चौड़े पत्ते वाले पौधों को रखने से मना करें। मूलांक छह के जातकों के लिए आज विचारों में किसी बात को लेकर द्वंद्व चलता रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है और व्यापारिक परेशानी में ननिहाल जो है वह वहां से मदद मिल सकती है। त्वचा संबंधी कोई रोग भी आपको परेशान कर सकता है। उपाय, सफेद वस्तुओं का दान करना है। मूलांक सात के जातकों के लिए संतान को कोई शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी। बिना मांगे किसी को कोई सलाह देने से बचना है। व्यापार में प्रतिद्वंदी परेशान कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ प्यार भरी नोकझोंक आम सी बात होगी। उपाय भी कर सकते हैं, आज किसी से झूठा वादा न कर। मूलांक आठ के जातकों के लिए रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों को आज सफलता मिलेगी। जीवन साथी से हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और दुर्घटना की संभावना भी दिख रही है, इसलिए किसी को दिया हुआ जो पैसा है वह वापस मिलने की संभावना भी दिख रही है, सावधानी बरतनी है। उपाय, ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उनको ग्रहण बिल्कुल ना करें। मूलांक नौ के जातकों के लिए अंक राशि कह दिया कि पैतृक संपत्ति में वृद्धि होती हो रही दिख रही है। विदेश में काम करने वाले व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है। साझेदारी में व्यापार करने से बचना है और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है। उपाय भी कर सकते हैं, कानों में कोई सोना या गहना धारण करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 24, 2023 मंगलवार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त 5:50 पर, चंद्रोदय 24 अक्टूबर दोपहर 3:01 पर एवं चंद्रास्त 25 अक्टूबर रात 2:35 पर। तिथि शुक्ल पक्ष दशमी 23 अक्टूबर शाम 5:45 से 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 तक। शुक्ल पक्ष एकादशी 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 से 25 अक्टूबर दोपहर 12:32 तक। नक्षत्र धनिष्ठा 23 अक्टूबर शाम 5:14 से 24 अक्टूबर दोपहर 3:28 तक। शतभिषा 24 अक्टूबर दोपहर 3:28 से 25 अक्टूबर दोपहर 1:30 तक। करणगर 24 अक्टूबर सुबह 4:31 से 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 तक। वणिज 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 से 25 अक्टूबर रात 1:54 तक। विष्टि 25 अक्टूबर रात 1:54 से 25 अक्टूबर दोपहर 12:32 तक। योगगंड 23 अक्टूबर शाम 6:52 से 24 अक्टूबर दोपहर 3:39 तक। वृद्धि 24 अक्टूबर दोपहर 3:39 से 25 अक्टूबर दोपहर 12:17 तक। अशुभ काल राहु 3 बजे से शाम 4:25 तक। यमगण सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक। कुलिक दोपहर 12:11 से दोपहर 1:35 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:47 से सुबह 9:32 तक एवं रात 10:55 से रात 11:46 तक।
वर्जयम का समय रात 10:04 से रात 11:32 तक। आइए जाने शुभ काल का समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से सुबह 5:43 तक। तो ये तो थी आज की राशि फल अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशि फल में। तब तक के लिए नमस्कार। हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम बल सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभया रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंग बली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर दो कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं, उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है।
हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिणमुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है, घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस बल पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु रक्षा मुकदमा परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ा। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाएं, जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें समस्याएं व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदयध्रिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही
बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरे शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंग बली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 झंझों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।